क्या आपने ये मीम देखा है? 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें। पता है यहाँ पर एमसी स्टैंड कौन से जूते की बात कर रहा है? एयर जॉर्डन्स। नाइकी के जो बेस्ट सेलिंग शूज हैं एयरफोर्स वन, उनका 2023 के अंदर जो प्राइस था वो था $145। लेकिन वहीं पर अगर आप एयर जॉर्डन 38 का जो बेस वेरिएंट है ना, उसका प्राइस देखोगे तो वो $200 से भी ज्यादा है। और ये तो सिर्फ लॉन्च प्राइस है, क्योंकि सच तो ये कि एंड कंज्यूमर के हाथ में आते आते ये जो जूता है ना, इसका प्राइस $2,000 से भी ऊपर चला जाता है। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि इतना महंगा होने के बावजूद भी लोग इन जूतों को खरीदने के लिए लाइन भी लगाते हैं और मार्केट में आने से पहले ही ये जूते खरीद लिए जाते हैं। इसी साल की बात है, अप्रैल के महीने में एयर जॉर्डन 13 की नीलामी हुई थी, वही जूता जिसको माइकल जॉर्डन ने 1998 में NBA फाइनल में पहना था। पता है ये जूता बिका कितने का? $2.2 million, यानी कि करीब 18 करोड़ 20 लाख रुपए का। इतने पैसों में ना एक लेम्बोर्गिनी सेंटेनारियो आ जाती है। पर यहाँ पर सवाल ये कि आखिर एयर जॉर्डन में ऐसा क्या खास है कि आज लोग लाखों रुपए सिर्फ एक जूते के ऊपर खर्च करने के लिए तैयार हैं? कुछ तो होगा ना इन जूतों में जो इनको इतने महंगे बनाते हैं, और अगर कुछ नहीं है तो फिर ये इतने महंगे क्यों बिकते हैं? और इतने महंगे जूतों के पीछे आखिर नाइकी की कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजी है? आज इन सारी चीजों को एकदम डिटेल में समझेंगे। जॉर्डन्स की जो कहानी है ये शुरू होती है 1984 में, जब नाइकी के हेडक्वार्टर के अंदर एक मीटिंग के दौरान सोनी वकैरियो नाम का एक टॉप एग्जीक्यूटिव बाकी लोगों को ये बताता है कि सभी NBA प्लेयर्स को छोड़कर उनको सिर्फ माइकल जॉर्डन को ही हायर करना चाहिए अपने ब्रांड प्रमोशंस के लिए। और ये जो वक्त था ना, ये वो वक्त था जब माइकल जॉर्डन की उम्र सिर्फ 21 साल थी। उस समय पर वकैरियो का ये कहना था कि जॉर्डन के अंदर ना कुछ स्पेशल है, उसके अंदर गेम को लेकर एक किलर इंस्टिंक्ट है जो कि उसको बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में बहुत कॉम्पिटिटिव बनाती है। और उसे खास करके ऐसा लगता था कि उस टाइम पर कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो कि माइकल जॉर्डन को टक्कर दे पाए। अब इसी बात को सुनते हुए नाइकी वकैरियो के आइडिया को एक्सेप्ट करती है और ये लोग माइकल जॉर्डन के पास एक स्पॉन्सरशिप डील साइन करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्योंकि जॉर्डन को मनाना उतना आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त पर वो एडिडास को पसंद करते थे और 1984 से पहले तक ना उन्होंने नाइकी के शूज को पहनना तो दूर की बात, देखा तक नहीं था। तो अब होता ही है कि नाइकी जॉर्डन को $2,50,000 और साथ में रेवेन्यू परसेंटेज देने का वादा करती है। लेकिन यहाँ पर भी बात नहीं बनती, क्योंकि उससे पहले ही एडिडास ने जॉर्डन को $5,00,000 का ऑफर दे दिया था। अब यहाँ पर करे तो करे क्या, तो जो नाइकी है वो दोबारा से अपने ऑफर को रिवाइज करती है और वो जॉर्डन को कहती है कि हम आपको $5,00,000 भी देंगे, प्लस आपको हर एक जूते के सेल के ऊपर एक रॉयल्टी फी देंगे। अब जॉर्डन को थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन वो इवेंचुअली इस डील के लिए मान जाते हैं और साल 1985 के अंदर जाकर नाइकी अपने नए शू रेंज को लॉन्च करती है, जिनका नाम पड़ता है द एयर जॉर्डन, जिस सीरीज का पहला वर्जन था एयर जॉर्डन 1, या फिर जिसको AJ1 भी कहते हैं। अब यहाँ पर बात ये थी कि नाइकी ने ऐसा सोचा था कि वो 3 से 4 साल के अंदर करीब $3 मिलियन तक के जूते बेच देंगे और जो भी पैसा उन्होंने माइकल जॉर्डन को दिया हुआ है वो यहाँ से रिकवर हो जाएगा। मगर पता है होता क्या है, एयर जॉर्डन 1 इतने ज्यादा फेमस हो जाते हैं कि पहले ही साल में उनकी सेल्स $126 मिलियन पहुंच जाती है। और यही वो जगह थी जहाँ से शुरू हुई इस दुनिया की सबसे फेमस शू लाइन की कहानी। साल 2022 यानी कि पिछले साल ही एयर जॉर्डन ने करीब $5 बिलियन की सेल्स करी थी। और आज की डेट में अगर आप देखो तो ये इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि लोग इसको खरीदने के लिए कितने भी पैसे देने को तैयार हैं। लेकिन पता है, जब बात पैसे बचाने की यानी कि सेविंग्स करने की आती है तो लोग कॉन्शियसली इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। अब देखो, यहाँ पर मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ एक हैबिट की। और सेविंग्स करने की ये जो हैबिट है ना, इसको आप आराम से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप कर सकते हो, एंड बिलीव मी ये आपको बहुत काम आएगी। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप इस हैबिट को प्रैक्टिस करने के लिए एक एप्लीकेशन आती है फेलो, उसका भी यूज कर सकते हो। क्योंकि देखो, यहाँ पर अच्छी बात ये कि फेलो आपको ना सिर्फ सेविंग्स करने के लिए हेल्प करता है, बल्कि आपकी जो सेविंग्स है आप उसके ऊपर 12% तक के रिटर्न्स भी अर्न कर सकते हो। क्योंकि इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको ऐसे RBI सर्टिफाइड P2B एसेट्स मिलते हैं जहाँ पर आप 8% से लेकर 12% तक के रिटर्न्स कमा सकते हो। और बाकी अगर आपका मन है तो आप यहाँ पर डिजिटल गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। अब इसमें मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, अगर आप इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर ₹500 से ज्यादा इन्वेस्ट करते हो तो आपको तंबोला गेम के टिकट्स मिलते हैं जहाँ पर आप एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हो, आईफोन से लेकर थार कार तक। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बड़ा प्राइस है वो है ₹1 करोड़ का। और ये सब कर पाना बहुत सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर फेलो खोला, मैं यहाँ पर सेव नाउ पे क्लिक किया और इसके बाद मैं 12% के एसेट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जो भी मेरा अमाउंट है सेविंग्स का, मैं उसको यहाँ पर डाल सकता हूँ जहाँ से मेरे को 12% तक के रिटर्न्स आ जाएंगे। देखा कितना सिंपल है, तो अगर आप चाहो तो आप भी यूज कर सकते हो। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने आप सब लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर डाल रखा है, आप वहां से जाके ट्राई कर सकते हो। लेकिन हाँ, मैं आपको जाते जाते बता दूं कि P2P लेंडिंग एक अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट होती है, तो यहाँ पर आपका अच्छा खासा रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसलिए आप जो भी डिसीजन लोगे केयरफुली लेना। अब जरा टॉपिक पे वापस आते हैं, एक बार जरा आप सोच के देखो कि आखिर ऐसा क्यों है कि लोग इन जूतों से इतना प्यार करते हैं,
कितना भी कुछ हो, आखिर है तो एक जूता ही ना। तो इन जूतों को लेकर आखिर मार्केट में इतना क्रेज है क्यों? वेल, अगर बहुत ही ध्यान से देखो तो ये जो बात है ना, इस बात का जवाब छुपा हुआ है इन तीन चीजों के अंदर, जिसमें पहली चीज तो है इन जूतों की क्वालिटी और डिजाइन। देखो, जब 1985 में पहली बार एयर जॉर्डन शूज लॉन्च हुए थे ना, तो उसके अंदर एयर नाम की सोल टेक्नोलॉजी को यूज किया गया था। और ये भी एक कारण है कि जब भी आप जॉर्डन्स का नाम सुनते हो तो आपको हमेशा एयर जॉर्डन सुनने को मिलेगा। देखो, बेसिकली इस टेक्नोलॉजी में होता ही है कि जो शू का सोल होता है उसके अंदर एयर को भरकर उसको कंप्रेस कर दिया जाता है, जिससे कि जो जूता है ना वो पहनने में बहुत ज्यादा लाइट फील होता है। इसके अलावा अगर आप डिजाइन की बात करो तो साल 1985 में जब एयर जॉर्डन 1 को लॉन्च किया गया था ना, तब NBA के अंदर पहने जाने वाले 99% शूज या तो ब्लैक होते थे या व्हाइट होते थे, सिर्फ इन दो ही कलर्स में होते थे। लेकिन यहाँ पर होता ये कि एयर जॉर्डन 1 के जो डिजाइनर है मिस्टर पीटर मोरे, उनको ये आइडिया आता है कि माइकल जॉर्डन जो है वो शिकागो बुल्स नाम की फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं, तो क्यों ना उनके ड्रेस कोड से मिलता जुलता ही डिजाइन बनाया जाए। और यही रीजन है कि जब एयर जॉर्डन 1 लॉन्च करे गए थे तो उनका कलर रखा गया था रेड, व्हाइट और ब्लैक, इन तीन कलर्स का मिक्स। और ये एक बहुत बड़ा रीजन बनता है कि लोगों को एयर जॉर्डन 1 बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। लेकिन नाइकी को ये जरूर पता था कि जो ट्रेंड है ना वो बदलता रहता है, नया फैशन आएगा और नई जनरेशन को नए एडवांस तरीके के जूते चाहिए होंगे, इसलिए उन्होंने लगातार इनोवेशन किया। जैसे साल 1992 के अंदर एयर जॉर्डन सीरीज ने AJ7 इन जूतों को लॉन्च किया था, जिसके अंदर हुराके टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, जिससे जूतों को पैर में आराम से फिट करने में आसानी होती है। इनफैक्ट ये जो टेक्नोलॉजी थी, इसने जूतों का जो वेट है ना उस वजन को भी काफी ज्यादा कम कर दिया था। उसके बाद साल 2009 में जो एयर जॉर्डन आए थे उसके अंदर आर्टिकुलेटेड प्रोपल्शन इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर जो फुट्स के लैटरल मूवमेंट्स होते हैं ना उनको बहुत ही ज्यादा स्विफ्टली करने में मदद मिलती है। और ये तो सिर्फ दो मॉडल्स की बात है, अगर आप बहुत ही ध्यान से चेक करोगे तो आपको जॉर्डन के हर एक जूते के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक इनोवेशन मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर ना नाइकी को ये पता लग गया था कि अगर वो सिर्फ परफॉर्मेंस और कम्फर्ट के हिसाब से जूते बनाएंगे तो सिर्फ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करने वाले लोग ही जॉर्डन्स को खरीदेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने फैशन और स्पोर्ट्स यूटिलिटी इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया, जिसकी वजह से जो स्पोर्ट्स खेलता है वो भी खरीदता है और जो नहीं खेलता वो भी खरीदता है। और यही बात हमको लेकर आती है दूसरे रीजन की तरफ, जो कि है रीसेल मार्केट और स्नीकर कल्चर। देखो, 1970s के अंदर ना लोग USA के अंदर काफी सारे स्नीकर्स कलेक्ट करने लगे थे। दरअसल होता ये था कि जब भी कोई नए स्नीकर्स मार्केट में आने वाले होते थे तो काफी सारे लोग उसको पहले खरीद लेते थे और उसके बाद उसको आगे बेचा करते थे, यानी कि टेक्निकली वो लोग रीसेलिंग करते थे। और उस वक्त पर जो भी लोग ये काम किया करते थे उनको स्नीकर हेड कहा जाता था। और आज भी अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और 1980s आते आते ये जो स्नीकर का कल्चर है ना, ये बाकी अमेरिका की तरह न्यूयॉर्क तक पहुंच चुका था, जिसके मेनली ये दो कारण थे। पहला तो एयर जॉर्डन शूज लॉन्च हो चुके थे और दूसरा कारण ये था कि उस वक्त पर हिप हॉप का नया कल्चर शुरू हुआ था। और अपनी ब्रांड वैल्यू और आइकॉनिक डिजाइन के कारण जो AJ1 थे ना, उनकी स्नीकर कल्चर के अंदर एक बहुत ही अलग इज्जत थी। क्योंकि दरअसल बात ये थी कि जो जॉर्डन्स थे ना, ये माइकल जॉर्डन की करियर के अंदर हुई हुई कामयाबी और साथ ही में अमेरिका के अंदर बढ़ता हुआ हिप हॉप कल्चर, इन दोनों चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। पर पता है, साल 1994 में जब नाइकी ने एयर जॉर्डन्स का रेट्रो पैक लॉन्च किया था ना, तो उसका प्राइस टैग था $80, लेकिन कस्टमर्स को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए उसको सीयर्स और JCPenney जैसे डिस्काउंटेड स्टोर्स के अंदर $20 से भी कम में बेचा गया। लेकिन होता ही है कि जैसे जैसे स्नीकर इंडस्ट्री इवॉल्व होती चली गई और अमेरिका में रेट्रो कल्चर पॉपुलर होने लगा, तो अर्ली 2000s आते आते एयर जॉर्डन की जो सेल थी वो दोबारा से वापस बढ़नी शुरू हो गई। बट स्टिल, अगर ये लास्ट वाली चीज नहीं होती ना, तो एयर जॉर्डन्स जिंदगी में कभी भी इतना बड़ा ब्रांड नहीं बन पाता जितना बड़ा वो आज बन रखा है। और वो चीज है एयर जॉर्डन की मार्केटिंग स्ट्रेटजी। देखो, हुआ ये था कि साल 1985 के अंदर जब पहली बार एयर जॉर्डन शूज को लॉन्च किया गया था ना, तो NBA के अंदर इन जूतों को बैन कर दिया गया। क्योंकि उस वक्त पर NBA का ये रूल था कि कोई भी जूता जिसके अंदर 51% ऑफ व्हाइट कलर नहीं है ना, उसको आप NBA के अंदर नहीं पहन सकते। और पता है, सिर्फ इस एक चीज की वजह से माइकल जॉर्डन के ऊपर उस जमाने में हर एक मैच पर $5,000 का फाइन लगाया गया था, जिसको नाइकी ने पे किया था। पर नाइकी तो नाइकी है, उन्होंने यहाँ पर भी मौका नहीं छोड़ा, उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और एक नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई। उन्होंने एक नया कमर्शियल लॉन्च किया जहाँ पर उन्होंने लोगों को ये बताया कि देखो, NBA ने इन शूज को गेम के अंदर बैन कर दिए हैं, लेकिन आप इसको गेम के बाहर भी पहन सकते हो। और नाइकी ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अमेरिका के अंदर जो पीक टेलीविजन आज होते हैं, मतलब कि जहाँ पर सबसे ज्यादा जनता टीवी देख रही होती है, उस वक्त पर इस एड को प्लेस करवाया और ये कैंपेन ही फट जाता है। इतने जबरदस्त रिजल्ट्स आते हैं कि हर कोई सिर्फ एयर जॉर्डन्स की ही बात करने लगा। इनफैक्ट आप ना एक चीज और नोटिस करना कि आपको शायद ही कभी ऐसा होगा कि एयर जॉर्डन्स डिस्काउंट पे मिल रहे हो। इनफैक्ट जॉर्डन्स के साथ तो होता ही है कि जूता जितना ज्यादा पुराना होता जाता है वो जूता उतना ही महंगा हो जाता है। कभी सोचा आखिर ऐसा होता क्यों है?
वेल मैं आपको बताता हूँ, इसका जो एक्चुअल रीजन है वो रीजन है कंट्रोल ऑन प्राइस इलास्टिसिटी। देखो किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कितना ऊपर जाएगा और वो कितना नीचे आएगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है ना वो डिमांड कितनी फ्लक्चुएट करती है। जैसे मान लो कि आज मार्केट के अंदर चाय पीने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो होगा क्या, जो चाय पत्ती है उसका प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि सप्लाई तो उतनी ही है लेकिन लोग बढ़ गए हैं खरीदने वाले। लेकिन अगर इनमें से कुछ लोग चाय पीना बंद कर दे तो होगा क्या, प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा, ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम से नीचे आ जाएगा। अगर इन केस बहुत सारे लोग एक बार में चाय पीना बंद कर देते हैं तो उस केस के अंदर जो प्राइस है वो एकदम से नीचे आ जाएगा, है ना। मगर ये जो चीज है ये जॉर्डन्स के साथ नहीं होती है। अब जरा समझते हैं कि आखिर ये होता क्यों है। देखो पहली बात तो मार्केट के अंदर जो जॉर्डन्स की डिमांड है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई होती है, और अगर डिमांड कम भी होती है ना, इनफैक्ट उस केस के अंदर कितनी भी खत्म हो जाए डिमांड, मतलब डिमांड है ही नहीं जूतों की, तब भी नाइकी कभी भी उन जॉर्डन्स का प्राइस नीचे नहीं लाता, मतलब कि डिस्काउंट नहीं देता। अब ये करने से होता क्या है, देखो एक्चुअली में होता ही है कि लोगों के दिमाग में ना एक सिग्नल पहुंचता है कि चाहे कितना भी कुछ हो जाए जो एयर जॉर्डन्स है ना उनका प्राइस कभी कम नहीं होता, और क्योंकि कम नहीं होता तो इसको खरीदना एक सही डिसीजन है। दैट इज द रीजन कि चाहे डिमांड कितनी भी हो कुछ भी हो नाइकी प्राइस कम करता नहीं है और लोगों का जॉर्डन्स के ऊपर विश्वास बना हुआ रहता है कि इसका प्राइस तो नीचे जाएगा नहीं। पर देखो ये तो मार्केटिंग की बात है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एयर जॉर्डन के जो ब्रांड वैल्यू है वो उसका फायदा उठाते हुए नाइकी इतने ज्यादा महंगे जूते कैसे बेच पा रही है। तो देखो सच तो ये कि आज की डेट में जो एयर जॉर्डन है ना वो लोगों के बीच में एक स्टेटस सिंबल बन चुका है और कस्टमर्स इन जूतों को खरीदने के लिए कितना भी प्रीमियम देने को तैयार है। पर ये जो पूरी चीज है ये आखिर कैसे हुई है, तो देखो यहाँ पे अगर आप बहुत ही ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको ये दिखेगा कि एयर जॉर्डन को इतना ज्यादा एक्सक्लूसिव ब्रांड बनाने के लिए नाइकी ने मार्केट के अंदर एक आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट करके रख रखी है। मतलब कि नाइकी अपने डेटा का इस्तेमाल करता है और ये पता लगाता है कि आखिर एयर जॉर्डन शूज की मार्केट के अंदर कितनी डिमांड है, और जितनी डिमांड होगी ना वो कभी उतने जूते बनाएगा ही नहीं, वो हमेशा डिमांड से कम जूते बनाती है। अब देखो जाहिर सी बात है, मान लो अगर मार्केट में 100 जूतों की डिमांड है और नाइकी ने सिर्फ 20 जूते बनाए तो उनके लिए कितना आसान है ना कि जूते तो सिर्फ 20 हैं, खरीदने वाले 100 लोग हैं, तो बहुत आराम से इन जूतों को अच्छे खासे महंगे प्राइस पर बेचा जा सकता है। प्लस यहाँ पर एक और ऐसी चीज है जो ज्यादातर लोगों को नजर नहीं आती, वो ये है कि जब भी नाइकी कोई नया स्नीकर लॉन्च करती है तो यहाँ पर क्या करते हैं जो स्नीकर हेड्स होते हैं ना जो रीसेलिंग करते हैं, वो लोग पहले ही मार्केट में आने से पहले ही इन जूतों को खरीद लेते हैं, तो कभी भी ये जूते डायरेक्टली कस्टमर्स के हाथ में नहीं पहुंचते। उसके बाद ये जो स्नीकर हेड्स हैं क्योंकि इनके पास ज्यादातर जूते आ चुके हैं, ये ऑफिशियली अपनी साइट के ऊपर इन जूतों को बहुत महंगा रीसेल करते हैं। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ता है, तो देखो जूते पहले ही बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटीज में तो उनका प्राइस तो पहले ही हाई है, अब क्योंकि स्नीकर हेड्स ने उन जूतों को खरीद के और ज्यादा आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट कर दी है तो उनका प्राइस और ज्यादा महंगा हो जाता है। इसलिए एक जूता जो कि नाइकी ने $100 में लॉन्च किया था ना वो लोगों तक पहुंचते $2,000 तक पहुंच जाता है, और यही कारण है आप कितनी भी कोशिश कर लो अगर आप ओरिजिनल एयर जॉर्डन्स खरीदने जाओगे ना तो आप उनको बहुत ज्यादा सस्ते में कभी खरीद ही नहीं सकते हो। अब देखो ये जो स्नीकर हेड्स हैं ये नाइकी ने खुद प्लांट करे हैं या फिर ये एक्चुअली में कोई अलग इंडिविजुअल्स हैं, इस बारे में आज तक ज्यादातर लोगों को कभी पता नहीं लगा, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता, अगर पता होता तो आप लोगों को जरूर बता देता। बट हाँ ये जो मॉडल है इस मॉडल के चलते इतनी ज्यादा आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट होती है मार्केट के अंदर कि ये लोग बहुत आराम से इन जूतों को इतना महंगा बेच पाते हैं। इनफैक्ट पिछले कई सालों में हमारी कंट्री के अंदर आखिर डेवलपमेंट हुई भी है या नहीं, कितनी हुई है, किस लेवल पर हुई है, और आखिर वहां पर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लोगों तक कभी पहुंची ही नहीं है, ये सारी बातें अगर आप जानना चाहते हो ना कि आपके दिए गए पैसों से गवर्नमेंट ने क्या कलाकारी करी है, तो ये राइट वाली वीडियो जरूर से देखना।